थोड़ी देर बाद चारू ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में ठंडी और उम्मीद की रोशनी चमक उठी। उसने धीरे से कहा, ऐसी क्रूर टेक्निक, सोल टैलेंट और ट्रेनिंग के साथ किसी भी चीज को निकल सकती है। ऐसी चीजों की प्रैक्टिस करने के लिए इंसान के पास क्रूर दिल होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा अनोखा है। चारू ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी भी कीमत पर उससे आगे निकलना होगा, भले ही इसके लिए मुझे मॉन्स्टर या विच बनना पड़े। अब मुझे हर हाल में ऐसा करना ही होगा। चारू ने फिर अपनी कलाई पर बंद असली इमॉर्टल कंगन को देखते हुए अपना हाथ उठाया। वो शांति से बोली, थैंक यू जितेन, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा और हमारे लोगों के सभी लोगों का बदला लूंगी। लेकिन मेरी ताकत अब ज्यादा नहीं है। उस डीमन से आगे निकलने के लिए मुझे कुछ चीजों के खिलाफ जाना होगा। उसने आसपास के इलाकों पर एक नजर डाली। नई टेक्निक की प्रैक्टिस करने के बाद उसका हाव भाव बिल्कुल उल्टा हो गया था। उसकी सारी पिछली अच्छी चीजें और दूसरों पर रहम खाने वाली पर्सनैलिटी गायब हो गई। अब वो एक शांत, सख्त और साहसी लड़की थी जो अपने टारगेट्स की ओर तेजी से बढ़ रही थी। चारू ने खुद को समझाया, अगर मुझे उस डीमन से लड़ना है तो मुझे अपनी सारी एनर्जी और फोकस कॉन्सेंट्रेट करना होगा। मुझे मेरी पुरानी पहचान और इमोशंस को छोड़ना ही सही तरीका लग रहा है, तभी मुझे सफलता मिलेगी। इस बीच इमॉर्टल कम्युनिटी के मेन पिनेकल के अंदर एक भारी शक्ति लगभग 1,00,000 मील तक फैल गई। 600,000 मील सिक्स्थ ग्रेड सेक्रेड एरा अचीव्ड, 700,000 मील सेवेंथ ग्रेड सेक्रेड गॉड एरिया अचीव्ड, 800,000 मील एट्थ सेक्रेड लॉर्ड एरिया अचीव्ड, 900,000 मील नाइन्थ सेक्रेड लॉर्ड एरिया अचीव्ड। इधर दूसरी तरफ व्योम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी जगमगा रही थी जिसमें कई रूल मिक्स थे। तभी अचानक ही पूरे मेन हॉल का फर्श हिल गया और उसके चारों ओर की दीवारें हिल गईं। व्योम ने अपने शरीर में बहुत ज्यादा ताकत, अपनी ऑरा का भारीपन और अपनी शक्ति को महसूस करते हुए बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि मेरी सेक्रेट ऑरा की क्वालिटी इमॉर्टल मन की क्वालिटी के बराबर पहुंच गई है। 8 सेक्रेट गॉड और एक आधी मॉर्टल बॉडी ने ही मुझे 9th लेवल के सेक्रेट लॉर्ड में अपग्रेड किया है। उसने काफी देर तक सोचा, फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हुए कहा, हर एक अपर सेक्रेट एरिया फेस लोअर सेक्रेट एरियाज की तुलना में 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं चाहूं तो मैं 8th ऑर्डर के सेक्रेट गॉड को एक उंगली से मार सकता हूं। छलांग की लड़ाई के लिए मैं युद्ध कर सकता हूं और इमोर्टल क्वालिटी हमलों से बच भी सकता हूं। लेकिन मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ से किसी इमोर्टल स्पेशलिस्ट को नहीं मार सकता। इमोर्टल और सेक्रेट में एक बहुत बड़ा पावर का डिफरेंस है जिसे केवल ताकत से कवर नहीं किया जा सकता। व्योम के चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान थी। वो अपने नए ताकतवर रूप में खुद को महसूस कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। वो सोच रहा था कि कैसे वो अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी तुरंत विक्रांत और बाकी लोग 6 डेड बॉडी के साथ हॉल में दिखाई दिए जो उनके पीछे तैर रही थी। विक्रांत ने काफी नरमी से कहा, व्योम मास्टर, हम आपके ऑर्डर पर इमॉर्टल लाशें लाए हैं, बताइए इसका क्या करना है। व्योम ने अपना सिर उठाया और अपने चारों ओर भारी इमॉर्टल रिप्रेशन छोड़कर 6 लाशों पर नजर डाली। उसका चेहरा खुशी से फूल उठा। उसने चहकते हुए कहा, अच्छा काम किया है तुमने विक्रांत, लेकिन तुमने उन्हें इतनी जल्दी कैसे मार डाला? मैंने सोचा था कि इसमें 1 या 2 दिन तो लगेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। विक्रांत ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, व्योम मास्टर, हम टॉप इमॉर्टल कैटेगरी की पपेट्स हैं। इस दुनिया में एरिया मानक के हिसाब से ये 10th ऑर्डर के इमॉर्टल एरिया के बराबर है। ग्रेट इमॉर्टल्स में से बस एक एरिया नीचे। इन 6 ह्यूमन और डीमन इमॉर्टल्स की ताकत केवल 3rd ऑर्डर के इमॉर्टल्स से ज्यादा नहीं थी। व्योम को तब इस सच का एहसास हुआ और वो चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि इस सफलता के पीछे ऐसी सच्चाई छिपी थी। वो सोचने लगा, इसलिए सीरियसली मैं इतना डरा हुआ था। ऐसा लगता है कि एरिया जितना ऊंचा होगा हर एक फेस के बीच उतना ही बड़ा अंतर होगा। मुझे लगा कि सोल आइलैंड में कोई इमोर्टल है, उन सभी पपेट्स को अलग करके मुझ पर अटैक करना अब इम्पॉसिबल है।
ग्रेट इमोर्टल लोगों को छोड़कर कोई भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। व्योम ने सिर हिलाया, अपना हाथ लहराया और 6 इमोर्टल डेड बॉडी को हटा दिया। इस वक्त उसे अपने शरीर के अंदर एक अलग ही ताकत महसूस हो रही थी। वो इन्हें देखकर बेहद खुश था। फिर कुछ सोचते हुए बोला, अब मेरे पास 7 इमोर्टल डेड बॉडी है, लेकिन मैं अभी इन्हें इस्तेमाल करने का प्लान नहीं बना रहा हूँ। मुझे इसे बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना सीखना होगा, तभी मेरे पास पावर्स और ज्यादा बढ़ेंगे। जब मैं अगले 10th ऑर्डर का आधा इमोर्टल एरिया में पहुंचूंगा तो इन्हें इस्तेमाल कर लूंगा, ताकि मेरे पास अगले मेन क्षेत्र इमोर्टल एरिया तक पहुंचने के लिए ज्यादा इमोर्टल पावर हो सके। व्योम ने सोच समझ कर ये डिसीजन लिया। कहीं ना कहीं उसके मन में था कि अब उसने किसी चीज में बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई तो उसे नुकसान हो सकता है, इसीलिए उसे सब कुछ बहुत सावधानी के साथ करने का प्लान किया। वो सोचते हुए खुद से ही बोला, मैं फील कर सकता हूँ कि इमोर्टल एरिया में अपग्रेड करने के लिए मेरी सोल में एक बड़ा चेंज होगा। इसी तरह बड़ी और ज्यादा संख्या में इमोर्टल चीजों की जरूरत होगी। जहां तक लॉ ऑर्डर की बात है, मेरी समझ बिल्कुल सही जा रही है। मैं पहले से ही कई तरह के लॉस के जुड़ाव को फील कर सकता हूँ। मुझे इन सब का टाइम टाइम पर सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। तभी व्योम ने विक्रांत को आदेश दिया, विक्रांत और बाकी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहां से हमारा रास्ता थोड़ा मुश्किल होने वाला है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। आप 8 लोग जाओ और इस मेन सेक्रेट पिनेकल और लीफ पिनेकल को छोड़कर सभी को 100 पिनेकल में मिला कर दो। उसने अंतिम 8 पपेट्स पर नजर डाली, उसके बाद एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम 8 यहां से जाओ और इस संप्रदाय के सभी लोगों को सुरक्षित करो। उस संप्रदाय के अंदर जो कुछ भी अच्छा या बुरा हुआ उसकी खबरें भी सबूतों के साथ मुझे बताएं। इमोर्टल या अमर संप्रदाय के छिपे डर के बारे में बाहरी दुनिया को बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। व्योम का ऑर्डर सुनकर सभी ने एक साथ हामी भरी, फिर तेज आवाज में कहा, हाँ यंग मास्टर, आप फिक्र मत करिए, ऐसा ही होगा। और फिर आदेश पूरा करने के लिए सभी पपेट्स गायब हो गई। व्योम उन्हें आता जाता देखता रहा। इसके बाद व्योम कुछ देर तक इन्हीं सबके बारे में सोचता रहा। वो अब आगे के बारे में बहुत गहराई से सोच रहा था, और उसी वक्त तुरंत एक मास्क मैन और विद्युत उसके सामने आए, जिन्हें देखते ही व्योम चौंक उठा। वो कुछ कहता उससे पहले ही मास्क मैन ने घुटने टेक कर कहा, यंग मास्टर, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था, मैंने चौहान कबीले में सेक्रेट एक्सपर्ट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और बाकी सभी चौहान कबीले के मेंबर्स को सीक्रेट एरिया में कैद कर दिया है। वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं मास्टर, अगर मेरे लिए कोई और ऑर्डर हो तो बताइए। ये सुनते ही व्योम के चेहरे पर एक सुकून उभरा। वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख ही रहा था कि तभी विद्युत ने भी घुटनों के बल बैठते हुए कहा, यंग मास्टर, मैंने आपके आदेश के अनुसार उसे बड़ी आसानी से सिंघानिया फैमिली से बाहर ट्रांसफर कर दिया है। उसने ट्रू इमोर्टल रिंग को भी पहचान लिया है और उस सच्ची इमोर्टल टेक्निक की प्रैक्टिस भी किया है जिसे आप चाहते थे कि मैं उसके अंदर रखूं। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आपने कहा था। ये सुनकर वरुण अब काफी खुश हो गया। वो एक पल तो उन दोनों की तरफ देखता रहा, फिर व्योम ने प्रशंसा की, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया। सच में ये तो अच्छी खबर है, अब हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। आप दोनों ने अच्छा काम किया है। व्योम ने इतना कहा, फिर थोड़ा सोचने लगा। उसके दिमाग में इस वक्त एक साथ कई सारे ख्याल आ रहे थे। फिर उसने विद्युत की ओर देखते हुए पूछा, विद्युत, क्या किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया। इस बार विद्युत ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यंग मास्टर, उन्हें पूरा यकीन था कि अंगूठी और उसके अंदर मौजूद हर चीज उसके भाई की है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यंग मास्टर, वो आपसे अब बहुत नफरत करती है। इस पर पहले तो व्योम का चेहरा थोड़ा सीरियस हुआ, लेकिन फिर व्योम ने एक स्माइल के साथ उसे समझाया, वास्तव में नफरत अधिक फायदेमंद है। उसके लिए प्यार से बढ़कर प्यार में वो मुझ पर डिपेंड रहेगी, मुझे फॉलो करेगी और मेरे दरवाजे के एंट्री गेट के पास एक पत्थर के गुलदस्ते की तरह रहेगी। वो हमेशा मेरी वापसी का इंतजार करती रहती है। आखिरकार फिर एक दिन वो मेरी कमजोरी बन जाएगी जिसका मेरे दुश्मन फायदा उठाते हैं। इसलिए जो भी हो रहा है सब कुछ सोचा समझा हुआ है और यही होना चाहिए। ये कहते हुए अचानक ही व्योम शांत हो गया
और उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। वो उन्हें गंभीरता से कहा, इसलिए मैंने उसके प्यार को अपने लिए नफरत में बदल दिया। अब वो हर चीज को खत्म कर देगी और मुझसे आगे निकलने की कोशिश करेगी और एक बदला लेने वाली के रूप में मेरे सामने खड़ी होगी। पर इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। व्योम ने मन में सोचा, वो अब तक प्रैक्टिस कर रही होगी। मुझे जितेन द्वारा बनाए गए नकली हिस्से को चुपके से बदलना पड़ा, साथ ही अब उसे प्रैक्टिस आर्ट में महारत हासिल करने के लिए टेक्निक की जरूरत नहीं होगी। अंगूठी में सब कुछ अपने आप ही सामने आएगा। मैंने उसके लक को भी एक नए स्टेप में बढ़ा दिया है। अब वो ज्यादा से ज्यादा इमोर्टल लॉ को समझेगी और आखिर में मेरी दुश्मन बन जाएगी। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है उसके भले के लिए किया है। वह कॉन्फिडेंस से भरा था। उसने उसके लिए सही ऑप्शन चुना है, ये जानते हुए कि ये दोनों को मजबूत बनाएगा। फिर उसने आगे कहा, मेरा प्यार मेरे लिए एक बंधन के अलावा और कुछ नहीं है। किसी दिन मैं उससे कहूंगा कि उसका बड़ा भाई उसके संप्रदाय को खत्म करने का प्लान बना रहा है और उसकी पहचान सबके सामने रख दूंगा। अब वो इमोर्टल नियमों का इस्तेमाल करके अपग्रेड की गई पूरी टेक्निक का प्रैक्टिस कर रही है। ये कहते हुए उसने ऑर्डर दिया, विद्युत लौटने के बाद उसकी निगरानी करना जारी रखें और मास्क मैन के साथ हर चीज की रिपोर्ट करें। हाँ यंग मास्टर, ऐसा ही होगा। वो दोनों एक साथ बोले और अपनी जगह लौट गए। अगले दिन इमोर्टल कम्युनिटी के आसपास के पहाड़ों में कई हलचले हुए। कई छोटे गुटों और परिवारों के लोग जो इस कम्युनिटी की शक्ति से डरे हुए थे अचानक गायब हो गए। चारों के पहले के साथी और कुछ अन्य लोग जो इस समय तक बच गए थे नए लीडर के ऑर्डर्स का पालन करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो भी इस बात से अनजान थे कि असली दुश्मन उनके बीच में ही है। चारू जो अब एक नई पहचान और पावर के साथ थी, उसने अपने दिल में गहराई से छुपी हुई प्लांट्स को महसूस किया। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस की एक नई चमक थी। उसने खुद से कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी शक्तियों का टेस्ट करूं और ये पक्का करूं कि मेरे प्लान्स सफल होंगे। वो इमॉर्टल कम्युनिटी के बीच में खड़ी थी और उसकी प्रेजेंस अब पहले से कहीं अधिक पावरफुल थी। उसने अपने नए टारगेट को समझा और उसके दिल में अब कोई डाउट या फियर नहीं था। चारू ने अपने होंठ भींचते हुए कहा, मैं अब इसे पूरा करूंगी चाहे जो भी हो। और इस तरह से एक नई जर्नी शुरू हुई जिसमें पुराने और नए दुश्मनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट, बिट्रेल और विक्ट्री शामिल थे। चारू ने अब अपने सभी टारगेट्स को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, बिना किसी डर या पछतावे के। वो जानती थी कि उसकी जर्नी में कई मुश्किलें होंगी, लेकिन अब वो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ये कहानी अब और भी रहस्यमय हो गई है, जहां नए साजिश और कॉन्फ्लिक्ट के साथ चारू और उसके दुश्मनों के बीच की लड़ाई और भी इंटेंस हो गई है। इस नए चैप्टर में चारू ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने नए जीवन को अपनाने का फैसला किया है। अब ये देखना बाकी है कि उसकी जर्नी में और कौन से ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे और क्या वो अपने सभी टारगेट्स को पूरा करने में सफल हो पाएगी। जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम ऐप्स पर। सुबह की पहली रोशनी अमारा पीक पर फैल रही थी, जहां पावरफुल इमॉर्टल और बाकी योद्धा अपनी प्रैक्टिस में बिजी थे। हवा में उनकी तलवारों की चमक और मंत्रों की गूंज थी। व्योम, जो अमारा पीक के सबसे टैलेंटेड योद्धा था, मेन हॉल में ध्यान मग्न बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक स्माइल थी, जैसे वो किसी इंटरनल एनर्जी से जुड़ गया हो। व्योम की रिस्पेक्ट अब न केवल उनकी यूनिक पावर के लिए थी, बल्कि उनकी लीडरशिप पावर और अच्छे आदमी के लिए भी थी। अमारा पीक में अब उनके लिए एक बड़ी जगह थी, जहां वो सभी को सोल, मन और बॉडी के बैलेंस की ट्रेनिंग देते थे। उनकी प्रेजेंस ही इंस्पिरेशन थी और लोग उन्हें अपने लीडर के रूप में देखने लगे थे। व्योम! अचानक एक यंग स्टूडेंट ने हॉल के बाहर से पुकारा। उसकी आवाज में एक हल्की घबराहट थी। स्टूडेंट का नाम आरव था, जो हाल ही में अमारा पीक में शामिल हुआ था। वो व्योम के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रखता था और उनसे गाइडेंस लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। व्योम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खड़े हो गए, फिर उसके चेहरे को गौर से देखा। उसे लगा कि कुछ तो ऐसा है जिससे आरव बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। उसने गौर से देखते हुए उससे पूछा, क्या बात है आरव? उसने शांत आवाज में पूछा। उनकी आंखें अब भी ध्यान की गहराई में डूबी हुई थी। आरव ने सिर झुकाते हुए कहा,
मेन हॉल के बाहर कुछ लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। व्योम ने हल्की मुस्कान दी और बाहर की ओर बढ़ गया। हॉल के बाहर कई इमॉर्टल योद्धा खड़े थे। व्योम उन्हें देखकर सोचने लगा कि आखिर वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। तभी उनमें से एक ने जो सबसे आगे था उसने आगे बढ़कर कहा, व्योम हमने सुना है कि आपने 8 इमॉर्टल्स को हरा दिया है, क्या ये सच है? व्योम ने उनकी आंखों में देखा। उनकी प्रेजेंस से डरे हुए बिना वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर आखिर में बोला, हाँ ये सच है उसने कहा, लेकिन वो पास्ट की बात हो चुकी है, हम यहाँ फ्यूचर की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, बीती बातों को भूल जाइए। ये सुनकर सभी खामोश हो गए। उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो व्योम को नहीं पता था। तभी उनमें से एक ने कहा, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए किसी भी तरीके का गलत ख्याल अपने दिमाग में ना लाएं। दरअसल हम चाहते हैं कि आप हमारा पीक के लीडर बने। एक और योद्धा ने कहा, उसकी आवाज में एक्साइटमेंट था, उसकी आंखों में आशा और भरोसे की चमक थी, जिसे देखकर व्योम को एक अलग ही उम्मीद जगी। व्योम ने उनकी आंखों में देखा, उनके चेहरों पर कॉन्फिडेंस और उम्मीद की झलक दिखाई दी, फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है आप लोगों को जैसा सही लगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, वैसे भी आपने जो कहा वैसा करने में मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। व्योम ने सहमति में सिर हिलाते हुए आगे कहा, लेकिन इसके लिए हमें एक नई डायरेक्शन और विजन की जरूरत होगी, क्या आप सब लोग इसके लिए रेडी हैं? जवाब में सभी ने सहमति में सिर हिलाया, जिसे देखकर व्योम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। और फिर इस तरह से अगले कुछ दिनों में व्योम ने अपने लीडरशिप में अमारा पीक को एक नई डायरेक्शन दी। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ कई सेशन किए जहां वो सोल मन और बॉडी के बैलेंस की इम्पोर्टेंस पर जोर देते थे। वो अपने अनुभवों को साझा करते थे और स्टूडेंट्स को सिखाते थे कि सच्ची पावर खुद का नॉलेज और जिम्मेदारी में होती है। मगर व्योम और उनकी नई चुनौती जल्दी ही सामने आने वाली थी और ये कब शुरू होने वाला था इसका उन्हें एहसास भी नहीं था। एक दिन व्योम ने अमारा पीक के स्टूडेंट्स के सामने एक नई चैलेंज पेश की। वो कई लोगों के बीच में खड़े थे जहां सभी स्टूडेंट्स उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। व्योम ने उन सबको देखते हुए कहा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पावर और नॉलेज का सही इस्तेमाल हमें कैसे बदल सकता है। व्योम ने आगे कहा, उनकी आवाज में काफी कॉन्फिडेंस था, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि सही गाइडेंस के बिना पावर खतरनाक हो सकती है, इसलिए हम सबको एक नए चैलेंज का सामना करना होगा। ये सुनते ही सभी आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। फिर सभी स्टूडेंट्स ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। व्योम ने उनके चेहरे को देखते हुए कहा, हम अपने अंदर की वीकनेस को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए एक अलग तरह की प्रैक्टिस करेंगे। यह प्रैक्टिस न केवल आपकी सोल और बॉडी को मजबूत करेगा, बल्कि आपकी सोच और आंखों को देखने के नजरिए को भी एक्सपैंड कर देगा। व्योम की इस पहल ने स्टूडेंट्स को उनके अंदर की अनजानी पावर्स को खोजने के लिए मजबूर किया। हर दिन वो अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानते और उन्हें दूर करने के लिए कोशिश करते। वो ध्यान, योग और ध्यान की जरूरी चीजों की प्रैक्टिस करते थे, जिससे उनके सोल और बॉडी को नई एनर्जी और पावर मिलती थी। इन सब चीजों के दौरान इसे करने में व्योम ने अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया, जिससे स्टूडेंट्स को उनकी जर्नी में असिस्टेंस मिली। वो बताते थे कि कैसे उन्होंने अपनी वीकनेस को अपने सबसे बड़े वेपन में बदल दिया। हमारी कमजोरियां ही हमें हमारी सच्ची ताकत की ओर ले जाती हैं। वो अक्सर सभी लोगों से ऐसा ही कहता था, जो सभी के अंदर एक नई एनर्जी भर देता था। व्योम का गाइडेंस स्टूडेंट्स को उनके अंदर की पावर और सच्चाई को पहचानने में मदद करता था। वो समझते थे कि पावर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और कैसे जिम्मेदारी के साथ अपनी पावर का इस्तेमाल किया जाए। समय के साथ व्योम के लीडरशिप में हमारा पीक एक नई ऊंचाई तक पहुंच गया। यह न केवल एक सीखने की जगह थी, बल्कि एक पावरफुल सेंटर भी बन गया था, जहां से हर स्टूडेंट अपनी यात्रा शुरू करता और अपनी नई पहचान को पाता था। धीरे धीरे अब व्योम के हर तरफ फेमस होने लगा था। एक दिन जब सभी स्टूडेंट अपने प्रैक्टिस में जुटे हुए थे, एक अजनबी हमारा पीक के गेट पर पहुंचा। उसकी प्रेजेंस ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। आप कौन है? एक स्टूडेंट ने पूछा। उसकी आवाज में जानने की जल्दी थी। अजनबी ने मुस्कुराते हुए सभी को एक नजर देखा, फिर कहा, मैं एक ट्रेवलर हूँ, मैं अपने खास मकसद की खोज में यहाँ आया हूँ। अब तक वहाँ व्योम भी आ चुका था। व्योम ने उसे ध्यान से देखा और कहा,
आपका यहाँ वेलकम है, लेकिन आप यहाँ क्या खोज रहे हैं? क्या मकसद है आपका? अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने अंदर की सच्चाई और पावर की खोज में हूँ। मैंने सुना है कि अमारा पीक इस कोशिश में मेरी मदद कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? व्योम ने समझदारी से सिर हिलाया, फिर आगे कहा, आप सही जगह पर आए हैं। यहाँ हर स्टूडेंट अपने अंदर की पावर खोजने की जर्नी पर है। मुझे उम्मीद है आप भी सबकी तरह सफल होंगे। अजनबी ने अपनी जर्नी शुरू की और व्योम के गाइडेंस में उसने अपने अंदर की पावर को पहचाना। वो अपनी जर्नी के आखिर में एक नई समझ और पावर के साथ अमारा पीक से बाहर निकला और इस तरह से व्योम हर तरफ फेमस होने लगा। व्योम के लीडरशिप में अमारा पीक ने अपनी पहचान को एक नए लेवल पर एस्टेब्लिश किया। हर कोई जो यहाँ आता था वो अपने अंदर की पावर और सच को पहचान कर एक नई उम्मीद के साथ लौटता था। व्योम ने अपने स्टूडेंट्स को हर नए स्टेप्स में हर बार ये सिखाया कि पावर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी पावर का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने हर एक स्टूडेंट को उनके अंदर की सच्चाई को पहचानने और अपने जिंदगी के टारगेट को समझने में मदद की। व्योम की टेक्निक्स का प्रभाव उनके स्टूडेंट्स पर गहरा था। वो अपने अंदर की पावर्स को पहचानते थे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते थे। एक दिन व्योम ने अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और कहा, हम सब ने अब तक एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन हमारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें आगे बढ़ते रहना होगा और अपनी शक्तियों की खोज जारी रखनी होगी। ये सिर्फ शुरुआत है। जल्द ही आप लोग उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जहां से आपको हराना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। उनकी बातों ने स्टूडेंट्स के अंदर एक नई एनर्जी और उत्साह भर दिया। वो जानते थे कि व्योम की लीडरशिप में वो अपनी जर्नी को अच्छे से पूरा करेंगे। समय समय पर हर जगह व्योम ने अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाया कि पावर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी पावर का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने हर एक स्टूडेंट को उनके अंदर की सच्चाई को पहचानने और अपने लाइफ के टारगेट को समझने में मदद की। दिन गुजरता जा रहा था, एक दिन, दो दिन, महीने और फिर साल। समय के साथ अमारा पीक का नाम रोशन होता चला गया, जहां से स्टूडेंट्स अपनी जर्नी शुरू करते और अपनी नई पहचान के साथ लौटते। व्योम के गाइडेंस ने उन्हें एक नई दिशा और विजन प्रदान की, जिससे वो अपने फ्यूचर में न केवल अपनी बल्कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए भी तैयार रहते। अमारा पीक की ये जर्नी कभी समाप्त नहीं हुई, ये लगातार बदलती और बढ़ती रही, जिससे हर किसी को अपनी सच्चाई और पावर की खोज में असिस्टेंस मिलती रही। अमारा पीक के स्टूडेंट्स ने व्योम के डायरेक्शन में कई साहसिक क्वेस्ट में हिस्सा लिया। उनमें से एक क्वेस्ट में उन्हें अपने अंदर के डर का सामना करना था। ये एक मेंटल प्रैक्टिस थी, जहां वो ध्यान के जरिए अपने सबसे बड़े डर को पहचानते और उसे दूर करने का प्रयास करते थे। इस प्रैक्टिस में उन्हें अपने डर के परे जाकर देखने की पावर दी। वो समझ गए थे कि डर केवल एक मेंटल प्रॉब्लम है और उसे पार करना मुश्किल नहीं है। इस दौरान में वो अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को और ज्यादा पहचानने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन व्योम ने सबको इकट्ठा करके कुछ ऐसा कहा जिसने सभी के होश उड़ा दिए। उसने तेज आवाज में कहा, किसी स्टूडेंट के पास से मुझे एक लॉकेट मिला है जो हमारे किसी दुश्मन से मिला हो सकता है। लॉकेट देखकर तो यही समझ आ रहा है। इतना कहकर व्योम ने लॉकेट हवा में लहराया। उसे देखकर सभी स्टूडेंट्स आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। तभी व्योम ने फिर से तेज आवाज में कहा, इससे पहले कि मैं उसके बारे में पता लगाऊं, ये लॉकेट जिसका भी है वो खुद मेरे सामने आ जाए। मैं वादा करता हूँ कि उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। इतना कहकर व्योम सबकी तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी भीड़ में से आगे नहीं आया। अब व्योम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वो चिल्लाते हुए बोला, अगर मैंने खुद से उस इंसान को ढूंढा तो फिर उसे बहुत बड़ी सजा दूंगा। बेहतर होगा वो खुद सामने आ जाए। मगर उसके इतना कहने के बाद भी कोई सामने नहीं आया। तभी एक स्टूडेंट धीरे धीरे भीड़ से निकल कर सामने आने लगा। उसे देखकर व्योम को झटका सा लगा, क्योंकि वो व्योम का सबसे ज्यादा फेवरेट था। व्योम ने चौंकते हुए कहा, तुम? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? व्योम का गुस्सा देखकर वो स्टूडेंट काफी सहम सा गया, फिर अपना सिर झुकाकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर आगे क्यों आए? जवाब में उसने जो कहा उससे व्योम के होश उड़ गए। उसने कहा, वो कुछ दिन पहले एक अजनबी आया था जो ट्रेनिंग लेकर गया। मैंने उसके गले में ये लॉकेट देखी थी। ये उसी की है। वो शायद किसी दुश्मन का आदमी होगा।
आया भी और अपना काम करके निकल भी गया। ये सुनते ही व्योम एकदम से परेशान हो गया। वो कुछ सोचते हुए बोला, कौन हो सकता है, आखिर अब वो मिलेगा कहाँ? अगले ही पल व्योम गुस्से में वहां से चला गया। वो काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा, फिर आखिर में बोला, अब जो भी हो अगर इसी के बारे में सोचते रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी होगा अगर कभी सामने आना होगा तो आ ही जाएगा। आखिर कौन था वो अजनबी जो व्योम से ट्रेनिंग लेकर गया? क्या होगा अब कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम ऐप पर। एक तरफ अपनी जिंदगी में चल रही अजीब सी चीज से व्योम परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ और ही चल रहा था। एक कमरे में बैठे राज सिंघानिया सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, पिताजी सही कह रहे थे कि मुझे किसी भी तरह से इस आदमी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, वो डेंजरस है, लेकिन अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके मन में रह रहकर तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उन्होंने कुछ अपने मन में सोचा और जल्दी से झुक कर कहा, हाँ योर मेजेस्टी, मैं आपके हर एक वर्ड्स अपने पापा को बताऊंगा, देखते हैं क्या होता है। योर मेजेस्टी ने उनके पास आकर गिफ्ट लिया और फिर राज सिंघानिया और बाकी लोगों को बाहर भेज दिया, उन्हें शाही नाव तक पहुंचाया। उनके बर्ताव से राज सिंघानिया और अन्य लोग काफी हैरान थे, लेकिन फिर जल्दी से वहां से चले गए, जैसे कि किसी नरक से भाग रहे हो। इमॉर्टल कम्युनिटी एरिया के बाहर सभी ने राहत की सांस ली, ऐसा लगा जैसे कहीं से जान बचाकर भागे हो। जबकि दूसरी तरफ व्योम मेन हॉल के अंदर जेड जिनसिंग को देख रहा था, जो कि एक बहुत ही सुंदर पुराने बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ था। फिर व्योम धीरे से बोला, इस सिविलाइजेशन में शाही गिफ्ट्स हमेशा किसी न किसी तरह के दवा वाले पौधे होते हैं, हो सकता है कि वो अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस की वजह इसी को मानते हो। व्योम ने एक पल सोचा और अपना सिर हिलाया, फिर इसे दूर रख दिया। फिर उसने विक्रांत और अन्य लोगों की ओर देखा, उसके दिमाग में कुछ सवाल थे। वो उनकी तरफ देखते हुए बोला, वहां की सिचुएशन अब कैसी है? मुझे इस राजवंश में हुए और तीन संप्रदाय और मूवमेंट्स के बारे में भी बताएं, क्या हुआ है वहां? व्योम ने शांति से पूछा, जिस पर विक्रांत के सिर झुकाकर जवाब दिया, यंग मास्टर, सभी तीन संप्रदायों ने अपने डोमेन्स बंद कर दिए हैं, यहां तक कि इन्वेजन में शामिल कूलों ने भी आइसोलेशन की अनाउंसमेंट की है। उनमें से जो स्ट्रांग थे वो छिप गए। हमने उन सभी सदस्यों को भी रोक दिया जो भागना चाहते थे, सिंघानिया फैमिली को भी, जैसा आपने आदेश दिया था। विक्रांत ने जवाब दिया, फिर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसे याद किया और बताता चला गया। सब कुछ जानने के बाद व्योम ने सोच समझकर सिर हिलाया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे किसी तरह की सबसे बड़ी पावर वाला युवा योद्धा मानता है, इसलिए वो इतने डरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मोर्टल कठपुतलियों में मेरी सोच से कहीं अधिक रेजिस्टेंस है, फिर भी मैंने केवल 8 का खुलासा किया है। कहते कहते व्योम की एक्सप्रेशन थोड़ी प्लेफुल हो गई, जैसे वो अंदर ही अंदर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा हो। विक्रांत उसकी बातें सुनता रहा, फिर उसके चुप होते ही बोला, इसके अलावा यंग मास्टर, हमें इस सीक्रेट पीक पर एक सीक्रेट रीजन मिला है। ये सुनते ही व्योम के चेहरे पर थोड़ी हैरानी आ गई। तभी विक्रांत ने अपना हाथ उठाया और एक स्पेस रिफ्ट दिखाई दिया, जिसमें विशेष सीक्रेट स्थान को कवर करने वाली एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी। व्योम विक्रांत द्वारा खोले गए स्पेस पाथवे के दूसरी तरफ के फॉर्मेशन डायग्राम को देखकर हैरान था, मगर फिलहाल कुछ बोला नहीं। फिर अचानक से चौंकते हुए बोला, ये कैसा सीक्रेट रीजन है? व्योम ने क्यूरियसली पूछा। जवाब में विक्रांत ने कहा, यंग मास्टर, इसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि हम उस तक नहीं पहुंच सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं, वहां एक अलग तरह का लॉक है जिसे खोलने के लिए एक स्पेशल की जरूरत होती है। व्योम ने फिर माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये सुनकर व्योम चौंक गया और कुछ सोचने में मग्न हो गया। फिर कुछ दिमाग में आते ही विक्रांत बोला, लॉकिंग फॉर्मेशन वाला एक सीक्रेट रीजन है। यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि इस सीक्रेट रीजन की किसके पास होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो शायद हार्दिक के पास ही होगा। उसकी बात सुनने के बाद व्योम ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मुझे इसमें की जरूरत नहीं है, अंदर जाने का ऑर्डर दें। व्योम बुदबुदाया, तभी विक्रांत ने उसे आने का रास्ता दिया। फिर व्योम बिना कुछ सोचे समझे विक्रांत द्वारा खोले गए रास्ते की ओर चला गया।
अगले ही पल वो और अंदर चला गया। अब उसके सामने पहाड़ी पर दिखाई देने वाले एक बड़े से पत्थर के बीच में बनी अदृश्य शील्ड को देख रहा था। अचानक ही वो उसके पास प्रकट हुआ और बीड मार्शल स्पिरिट को बाहर बुलाया, फिर पत्थर के ऊपर अपना हाथ रखा, उसके बाद अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी सांस लेने लगा। वो फॉर्मेशन का एनालिसिस और समझने की कोशिश कर रहा था, फिर उसके मुंह से निकला, सेलेस्टियल फिजिक, हेवन ट्रैकिंग। ये कहते ही तुरंत व्योम का पूरा शरीर अजीब सा बनी चीजें और सिंबल से जगमगा उठा जो उसके शरीर पर अजीब रूप से घूम रहे थे, मानो स्वर्ग और पृथ्वी उसमें एक साथ आ गए हों। और फिर एक एक करके सिंबल्स और लाइंस उसके दिमाग में चमकने लगे। अगले ही पल तुरंत वो स्ट्रक्चर जल उठी, जिससे एक भयानक ऑरा प्रकट हुई और व्योम को लगा कि कोई उस पर अटैक कर रहा है। व्योम ने तुरंत अपनी बीड स्पिरिट को बाहर बुलाया। इसके बाद एक सफेद किरण बाहर से निकली और स्ट्रक्चर की ओर चली गई, जिसके बाद व्योम अब पूरी तरह से कवर हो गया। अगले ही पल व्योम ने अपने दिमाग में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस उभरते हुए देख लिए थे। कुछ ने उस पर अटैक किया, कुछ ने नहीं। इन सभी डेंजरस कॉम्बिनेशंस से बचने के बाद विक्रांत और दूर खड़े अन्य लोग बेहद अलर्ट थे, जो इस स्ट्रक्चर को ऐसे देख रहे थे जैसे कि अगर उन्हें खतरा महसूस हुआ तो वो इसमें कूद जाएंगे। तभी तुरंत स्ट्रक्चर एक चट्टान के साथ हिल गई। ये एकदम सफेद प्योर रोशनी से चमक रहा था और धीरे धीरे चट्टान के बीच में एक गोल सफेद पोर्टल दिखाई दिया। अगले ही पल व्योम ने अपनी आंखें तेजी से खोली और उसके मुंह से निकला, जैसा कि मैंने पहले ही अनुमान लगाया था, डिवाइन फिजिक और फारसाइट के कॉम्बिनेशन के साथ मैं अब निश्चित रूप से इमोर्टल फॉर्मेशन को भी अनलॉक कर सकता हूं। इमोर्टल की दुनिया में समाया वो ज्ञान जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद है। अब मैं पुराने सिंबल्स और फॉर्मेशंस को भी समझ सकता हूं। फॉर्जिंग मास्टर बनने के लिए मुझको हथियार में फॉर्मेशन और सिंबल्स को जोड़ने में कैपेबल होने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मेशन मास्टर बनना होगा, व्योम ने बुदबुदाया, फिर कुछ सोचते हुए सफेद पोर्टल के अंदर चला गया। कुछ देर में वो एक ओपन फील्ड के सामने आया जो बैटल फील्ड जैसा लग रहा था, और वहां बहुत सारे छोड़े गए वेपन्स और ट्रेजर्स चारों ओर पड़े हुए थे। व्योम ने अपनी कॉन्शियसनेस चारों तरफ फैलाई और वहां मौजूद पूरे सीक्रेट को जानने की कोशिश करने लगा, जिसका साइज केवल कुछ लाख मील था। वो उन्हें देखते हुए बोला, कुछ इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स वाला एक छोटा सा सीक्रेट रीजन, ये मेरे एफर्ट्स की कितनी वेस्ट है। व्योम मन ही मन निराश होते हुए बुदबुदाया। फिर उसने अपने नैनोबॉट्स छोड़े और उन्हें सीक्रेट रीजन की हर चीज को कंज्यूम करने का ऑर्डर दिया। अचानक ही हर चीज पर एक अंधेरा पर्दा छा गया। उसके नैनोबॉट्स टिड्डियों की तरह हर तरफ फैल गए। कुछ ही पलों में पूरा सीक्रेट रीजन काले रंग में बदल गया। कुछ ही पलों में वहां पड़े उन इमॉर्टल वेपन्स के साथ कुछ कर दिया गया। उन्होंने एक क्राइसिस महसूस किया, स्ट्रगल करने के लिए भयानक सप्रेशन जारी किया, लेकिन अमर कैटेगरी के एटॉमिक डिसअसेंबलर नैनोबॉट्स के सामने अरबों इमॉर्टल वेपन्स कुछ भी नहीं थे। जल्दी ही वो पूरी तरह खाली हो गया। व्योम हैरान था कि उसके नैनोबॉट्स को एडवांस्ड और ऑप्टिमाइज किया गया था, और आखिर में वो इमॉर्टल कैटेगरी के ट्रेजर्स तक पहुंच गए। और फिर बाहर पूरे संप्रदाय के ऊपर का आकाश अंधेरे से भर गया, काले बादल कंडेंस हो गए और भयानक एटमॉस्फेयर में फैल गए। अगले ही पल बीड स्पिरिट के अंदर व्योम का माइंड पूरी तरह से हिल गया। बाहर का काला बादल एक अदृश्य सफेद बादल में बिखरा और फिर गायब हो गया। इसके बाद एक साफ आकाश दिखाई देने लगा। व्योम ने हैरान होकर अपनी सोल में टिमटिमाती बीड स्पिरिट को देखा। वो मुस्कुराया, फिर अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, ये बीड स्पिरिट नैनोबोट्स की रक्षा कर रही है, जैसे कि ये उसके अपने बच्चे हो। ठीक है, अब जाने का टाइम है, यहाँ अब और कुछ नहीं है, व्योम ने बुदबुदाया और तुरंत अपने चारों ओर देखा। तभी उसने कुछ महसूस किया, स्पेस एंड टाइम टेलीपोर्ट। वो तुरंत एक पेड़ के सामने दिखाई दिया जहां एक बड़ी बेल जिसके साथ एक लौकी जुड़ी हुई थी। अगले ही पल उसके नैनोबॉट्स ने लौकी को कवर कर दिया, परंतु वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। यहां तक कि जिन बेलों से वो जुड़ी हुई थी उन्हें भी नैनोबॉट्स ने खा लिया और उसे अलग थलग कर दिया। व्योम उसे देखते हुए बोला, ये लौकी थोड़ी स्पेशल है। व्योम ने लौकी पर नजर डाली और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। ऐसा करते ही तुरंत नैनोबॉट्स इधर उधर घूमने लगे और उसके ऊपर हरे रंग की ऑरा वाली परत के साथ जेड आर्टिफैक्ट जैसी चमकने लगी। व्योम के सामने अचानक कुछ नंबर्स और सिग्नल्स आने लगे, गॉड साइज,
तुरंत उसके शरीर से बहुत सारी रोशनी की किरणें निकली और एक आंख में बदल गई, फिर उन नंबर्स और सिग्नल्स की दिशा में चली गई जैसे वो नैनोबॉट्स के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर रही हो। कुछ पलों के बाद कुछ नंबर्स और सिग्नल्स ने हिलना शुरू कर दिया और व्योम के दिमाग में एक नई दुनिया खुल गई। इसे देखते ही वहां अंदर से हिल गया। लौकी के अंदर एक पूरा यूनिवर्स था। अचानक ही उसने मंत्र का जाप किया और उसकी कॉन्शियसनेस लौकी के अंदर एंटर कर गई। उसके सामने बहुत सारे जीव और इमॉर्टल ट्रेजर देखे और हर एक ने एक यूनिक और शानदार ऑरा निकाली। इसे देखकर व्योम बोला, इसे एक एस्ट्रोइड जैसा सीक्रेट रीजन कहा जा सकता है, लेकिन इसे यहाँ क्यों रखा गया है, ये सोचने वाली बात है, व्योम ने सोचा। फिर लौकी को बाहर निकाला और फिर उसने उसमें एक पावर को फील किया। इससे वो चौंकते हुए बोला, इस लौकी के अंदर इतनी पावर क्यों है, ऐसा क्या है इसमें, व्योम ने बुदबुदाया और फिर उसने अपनी कॉन्शियसनेस लौकी में एंटर की। उसे महसूस किया और अगले ही पल वो चौंक गया। वो हैरानी से बोला, ये तो एक एक्सिस्टेंस सीड है, ये मुझे अपने प्रेजेंट से फ्यूचर में एक इमॉर्टल रूप में बदल देगा। ठीक है, मुझे समझ आ गया कि यह क्या है और इसे अब अपने पास रखना होगा, व्योम ने बुदबुदाया। फिर तुरंत अपना एक हाथ उठाया, अपनी पॉकेट से तीन आंखों वाला इमॉर्टल फेदर निकाला और अपनी कॉन्शियसनेस उसके अंदर भेज दी। अब एक आंख की आवाज उसके फेदर से निकल रही थी, ये हरे रंग में चमक रहा था। व्योम के सामने लौकी ने अपनी पावर के हिसाब से जगह बनाई, फिर उसका साइज कम हुआ और उसके सिर के ऊपर एक तिल में बदल गया जो व्योम के कान के नीचे एक धब्बे के रूप में दिखाई दिया। तीन आंखों वाला फेदर हरे रोशनी में चमक रहा था जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ दर्ज हो रहा हो। व्योम इस बारे में अच्छी तरह से समझ रहा था। तीसरी आंख से एक थॉट निकल रहा था जो सीधे व्योम के माइंड में प्रवेश कर रहा था। वो सोचते हुए बोला, लौकी का एक्सिस्टेंस पहले से ही फेदर में दर्ज है, कोई भी इंफॉर्मेशन खोने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सुपर पावर, उस इमॉर्टल लाइफ और ट्रेजर को देखते हुए मैं यहाँ की सीमाओं को अनलॉक करने का हकदार हूँ और अब मैं ऐसा करता रहूंगा। फिर व्योम ने सीक्रेट रीजन छोड़ दिया और अपने मास्टर्स के साथ वापस व्योम संप्रदाय की ओर बढ़ गया। क्या व्योम बन गया है अब और ज्यादा पावरफुल? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम ऐप पर। एक्सटेंशन इमॉर्टल सेक्ट ऐसे एरिया में मौजूद है जहां हजारों सालों से सिंघानिया परिवार पूरे वेस्ट पर शासन कर रहा था। कुछ दिनों पहले सेक्ट ने इस एरिया को बंद करने का अनाउंस किया और सभी शागिर्दों और बुजुर्गों को वापस बुला लिया। हालांकि सेक्ट लीडर और कुछ दानव देवता अपने दानव कबीले के 5 इमॉर्टल व्यक्तियों की मौत से बेहद डरे हुए थे, फिर भी वो ये देखकर थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे कि पीस कम्युनिटी सेक्ट के नए लीडर व्योम ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें पता नहीं था कि अनजान आपदाएं हमेशा बहुत जल्दी आती हैं। एक्सटेंशन इमॉर्टल शिखर के बाहर मेजर शिखर में से एक अकेशा शिखर, इसके अंदर एक फीमेल लीडर सीट पर बैठी हुई थी जो नीचे खड़े बुजुर्गों और शागिर्दों को देख रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसके माथे पर नीले और काले मिक्स्ड कलर का कमल का टैटू था और उसके पीछे रेशम की तरह लटकते लंबे नीले और काले बाल थे। अगर व्योम यहाँ होता तो वो उसे तुरंत पहचान लेता कि ये वही है जिसने चौहान कबीले पर अटैक किया था और उसे नष्ट कर दिया था। वो अकेशा शिखर की लीडर और दानव देवी माहिरा थी। हमारी ब्रांच नए दानव राजा और रानी सिलेक्शन सेरेमनी के लिए कितनी तैयार है? नीचे खड़े एक बुजुर्ग ने जवाब देते हुए कहा, लीडर माहिरा, ऐसा लगता है इस साल का कंपटीशन करंट क्राइसिस को देखते हुए पोस्टपोन्ड हो गया है। दानव कबीले के इमॉर्टल व्यक्तियों की मौत कोई आम बात नहीं थी। सेक्ट इस पर खामोशी के साथ जांच करना चाहता है। माहिरा के चेहरे पर नाराजगी फैल गई। वो पुराने दानव वास्तव में बेकार थे, शायद वो लड़ाई से भाग गए और कहीं छिपे हुए हैं, इसलिए वो इतने कम समय में गायब हो गए। हम उन बेकार बेवकूफों की वजह से खामोश क्यों रहे? हमें बस ये अनाउंस कर देना चाहिए कि हम राक्षस कबीले से जुड़े हुए नहीं हैं और अगला निशाना बनने से बचना चाहिए, उसने झुंझलाते हुए कहा। तभी तुरंत एक आवाज सुनाई दी। एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई पड़ा जिसके माथे पर काले सींग का निशान था। उसने माहिरा और दूसरे मौजूद लोगों की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
तुम लोग पाखंडी हो। पहले तो तुम लोग पीस कम्युनिटी को दबाने के लिए दानव कबीले का इस्तेमाल करते हो। जब राक्षस किसी मौजूद व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है तो तुम लोग हमारे साथ अपने कोई रिश्ते ना रखने का फतवा जारी कर देते हो। तुम्हें क्या लगता है, पीस सेक्ट का नया लीडर बेवकूफ है? कोई भी तुम्हारी बकवास बातों पर यकीन नहीं करेगा और वो हमारे और बाकी के दो सेक्ट को खत्म करने के लिए जरूर आएगा। माहिरा ने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और कुछ नहीं कहा, जबकि अकेशा शिखर के अन्य बुजुर्ग लोग चौंक गए और जल्दी से झुक कर बोले, हमने सेक्ट के लीडर को देखा है। सेक्ट लीडर ने माहिरा के एक्सप्रेशन लेस चेहरे की ओर देखते हुए कहा, ये हमारे बीच लड़ने का या उन बेकार कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज कराने का समय नहीं है, बल्कि आप खुद को बेहतर तरीके से तैयार करें। अगर हमारा दानव कबीला खत्म हुआ तो हम आप भी अपने साथ घसीट कर ले जाएंगे। माहिरा ने सेक्ट के लीडर को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, तुम बेवजह डर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद वो हमारी ओर ध्यान ही नहीं देगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक भयानक माहौल पूरे सेक्ट के चारों ओर फैल गया। सेक्ट सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो गया। फिर अगले ही पल सब कुछ सफेद रोशनी में बदल गया और रोशनी चारों ओर फैल गई। दूर में एक विशाल स्पेस में दरार उभर आया और उस दरार में से एक क्रिस्टल बोट बाहर निकला। माहिरा और सेक्ट लीडर के चेहरे पर अचानक से उदासी छा गई, क्योंकि वो उस क्रिस्टल बोट को देख रहे थे जो एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट ऑरा फैला रहा था। नीचे खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, इमॉर्टल वॉइड बोट, ये वही है। लोगों को एहसास हो रहा था कि ये व्यूम ही है। माहिरा और सेक्ट लीडर ने खुद के अंदर एक अजीब सा दबाव महसूस किया। तुरंत शून्य में कई सारे दानव के फिगर प्रकट हो गए। माहिरा और सेक्ट लीडर के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर उन दानव के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। उन्होंने कहा, सेक्ट लीडर, ऐसा लगता है कि वो आ गया है। अगले ही पल बोट के सामने एक फिगर दिखाई दिया जो एक अधेड़ उम्र का दानव था। उसके शरीर के चारों ओर इमॉर्टल लॉ की एक रोशनी टिमटिमा रही थी। शून्य में अधेड़ उम्र के दानव के फिगर को देखते हुए सेक्ट लीडर और बाकी के देव दानवों ने सम्मान में अपना सिर झुकाते हुए कहा, नमस्कार है हमारे खानदान के सबसे पूर्वज दानव को। इमॉर्टल दानव ने आगे बढ़कर सबसे पहले अपने हाथ जोड़े, फिर सामने से वॉइड बोट को देखने लगा। बोट पर खड़ी 12 फिगर और डेक की ओर चलते हुए एक छोटे लड़के को देखकर इमॉर्टल मानव के एक्सप्रेशन धीरे धीरे सीरियस होते जा रहे थे। व्योम ने अपने सामने इमॉर्टल दानव को देखा, फिर आस पास तैरते बाकी के दानवों को देखा। उसने तुरंत ही अपनी नजरें इन लोगों से हटाकर सीधे माहिरा की ओर गड़ा दी। ये देखकर हर कोई चौंक गया, यहाँ तक कि माहिरा भी सिहर उठी। उसकी सांसें चरम सीमा तक पहुंचकर हांफ रही थीं। उसने घबराते हुए पूछा, ये मेरी तरफ क्यों घूर रहा है? व्योम ने माहिरा की ओर देखते हुए कहा, मैं यहाँ उसके साथ हिसाब चुकाने आया हूँ जिन्होंने हमारे साथ गलत किया था। अगर कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करता है तो उसके पैर काट देना। अगर कोई कुछ कहने की कोशिश करता है तो उसकी जीव और आत्मा को उसके शरीर से बाहर खींच लेना। अगर कोई अपनी जगह से एक इंच भी हिलने की कोशिश करता है तो उसे मौत के घाट उतार देना। व्योम के साथ आए विक्रांत और बाकी लोगों ने जवाब में कहा, ठीक है यंग मास्टर। ऐसा बोलकर इन लोगों ने अपने टॉप इमॉर्टल लॉ को जारी कर दिया और यहाँ मौजूद सबके ऊपर प्रेशर बना दिया। सभी की त्योरियां चढ़ गईं, उनके चेहरे गुस्से में लाल हो गए, मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उन्होंने कुछ कहने या हिलने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि दानवों के पूर्वज भी चुपचाप किनारे पर खड़े होकर व्योम और माहिरा को देख रहे थे। व्योम ने फिर माहिरा की ओर मुखातिब होते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें मुझे याद? माहिरा ने व्योम को गौर से देखा और उसके दिल में धीरे धीरे डर बढ़ने लगा। टॉप इमॉर्टल लॉ के प्रेशर के आगे उसका सारा घमंड और चुड़ैल स्वभाव हवा में गायब हो गया। वो किसी बकरी की तरह लग रही थी जो किसी भी पल बलि दी जा सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद माहिरा ने डरते हुए व्योम से कहा, महामहिम, मैं आपको नहीं जानती, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने आपको कैसे नाराज किया? मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ। व्योम ने कुछ देर उसकी ओर देखा फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अपने इंसानी शागिर्द युविका को बाहर बुलाओ। व्योम के मुंह से युविका का नाम सुनकर
माहिरा और सेक्ट लीडर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके दिल में तमाम सवाल उठ खड़े हुए। सेक्ट के लीडर ने झिझकते हुए पूछा, युविका, वो इंसानी मानव फीमेल शागिर्द? महामहिम, उस शागिर्द युविका के साथ आपका क्या रिश्ता है? व्योम ने सेक्ट लीडर को घूरा और कहा, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी वार्निंग को ध्यान से नहीं सुना। तुरंत सेक्ट लीडर को कैद कर लिया गया। सभी चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उनकी आत्माएं कांप रही थी। इमॉर्टल गोल्डन स्पिरिट लॉ लीडर विद्युत ने अपने हाथ को हिलाया और अपनी पावर को एक्टिवेट किया। सोल चेन शून्य से बाहर निकली और सेक्ट के लीडर के मुंह में छेद करते हुए अंदर घुस गई। फिर उसकी जीभ को कस कर पकड़ लिया। एक झटके में विद्युत ने चेन को बाहर की ओर खींचा। सेक्ट लीडर के मुंह से उसकी जीभ बाहर निकल गई। एक फुफकार सेक्ट लीडर के मुंह से निकला। शून्य में चारों ओर खून की फुहारें फैल गई और फिर विद्युत ने उसकी आत्मा को भी उसके शरीर से खींचकर बाहर निकाल लिया। अब हवा में एक खाली शरीर खून लटक रहा था। सभी ने सेक्ट के लीडर की आत्मा को चेन में जकड़े छटपटाते हुए देखा। उसकी लाश हवा में लटकी हुई थी। सभी लोग बेहद डर गए थे। ये सब देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सेक्ट लीडर की चीख शून्य तक गूंज उठी। इससे पहले दानवों ने जीभ खींचने से किसी को मरते हुए नहीं देखा था, ना ही उन्होंने पहले किसी के मुंह से आत्मा को बाहर निकालते हुए देखा था। व्योम ने कहा, मैं अभी के लिए इसकी आत्मा को कैद करता हूँ। व्योम ने खामोशी के साथ अपना हाथ हवा में हिलाकर विद्युत को इशारा किया। विद्युत ने सेक्ट के लीडर की लाश को नीचे रख दिया। फिर डर से कांपती हुई महिमा की ओर देखते हुए पूछा, युविका कहाँ है? व्योम का सवाल सुनकर माहिरा ने अपने डर को दबाते हुए जल्दी से जवाब दिया, वो हीटिंग हॉल में है। व्योम सोच में पड़ गया। हीटिंग हॉल, ये नाम उसे मेडिसिन हॉल जैसा सुनाई पड़ रहा था। फिर उसने ऑर्डर देते हुए कहा, विक्रांत जाओ, उसे यहाँ लाओ। विक्रांत ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। सभी के चेहरे व्योम को देखते ही सहम गए थे। वो सभी बहुत डरा हुआ महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि माहिरा भी बहुत ज्यादा बेचैन दिखाई दे रही थी। लगातार पसीना बहा रहा था। कुछ समय बाद विक्रांत एक फीमेल को लेकर आया जो युविका थी। व्योम ने उसे तुरंत पहचान लिया, लेकिन जब अगले ही पल उसकी नजर युविका के शरीर पर पहने हुए कपड़ों पर गई तो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने ये भी नोटिस किया कि उसकी बॉडी पर बहुत चोट के निशान थे। व्योम को सारी बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसने विक्रांत से पूछा, विक्रांत, हीटिंग हॉल किस तरह की जगह है? व्योम की बात सुनकर विक्रांत का फेस बिल्कुल सीरियस हो गया। उसे अपने हलक में सांस महसूस नहीं हो रही थी। विक्रांत को आने वाले तूफान का अंदाजा अभी से लग रहा था। उसे लगा कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसका भी वही हश्र होगा जो थोड़ी देर पहले सेक्ट के लीडर का हुआ था। वो जल्दबाजी में घुटनों के बल बैठ गया और बोला, यंग मास्टर, प्लीज थोड़ी दया दिखाएं। मैंने इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली है। हीटिंग हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन फीमेल को स्पेशल स्प्रिट के साथ रखा जाता है। इसका एकमात्र पर्पस इस सेक्ट के दानव शागिर्दों की सेवा करना है। इस सेक्ट के दानव शागिर्द स्पेशल दानव एक्सरसाइज करते हैं जो उनकी आत्माओं को और अशुद्ध करती है। इन अशुद्धियों को साफ करने के लिए उन्हें सेक्स के माध्यम से हीटिंग हॉल या फीमेल में इंजेक्ट करना पड़ता है। व्योम ये सुनकर दंग रह गया और युविका की बेदम आंखों की ओर देखने लगा। वो किसी पपेट की तरह खड़ी थी जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। व्योम ने गहरी सांस ली, युविका की ओर देखा और फिर खामोशी के साथ विद्युत को ऑर्डर दिया, विद्युत, इसकी हालत जांचो और पता करो कि क्या ये पूरी तरह से ठीक है। विद्युत ने सिर झुकाकर हामी भरी और युविका के पास आ गया। उसने युविका के सिर को अपने हाथ में लिया। कुछ सेकंड के बाद वो व्योम की ओर मुड़ा और कहा, यंग मास्टर, इनके ठीक होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इनकी पूरी बॉडी और आत्मा में कई तरह की अशुद्धियों का इंजेक्शन लगाया गया है। इनकी आत्मा और ऑरा पूरी तरह से अशुद्ध हो चुके हैं और उसकी कॉन्शियसनेस भी गायब हो चुकी है। ये अब बस एक पपेट की तरह है। व्योम ने विद्युत की बात सुनी, युविका की ओर देखा, गहरी सांस ली और फिर आह भरी और उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, हालांकि मुझे लॉयन कबीले से कोई लगाव नहीं था, जब तुमने इस कमीने के सामने लॉयन कबीले के लिए भीख मांगी थी तो मुझे लगा जैसे तुम मेरी जिंदगी के लिए भीख मांग रही थी। मुझे खुद पर एक एहसान महसूस होता था और उसी के एवज में मैं तुम्हें यहां बचाने के लिए आया था, पर अब लगता है कि यह पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता, लेकिन फिक्र मत करो, अगर मैं इसे अभी चुका नहीं सकता
तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी आत्मा को सुरक्षित रखूंगा। व्योम शांत हो गया। उसने अपना हाथ युविका की ओर बढ़ाया और तुरंत ही युविका की बॉडी धूल में बदल गई और हवा में पूरी तरह से गायब हो गई। फिर उसने अपने बीड स्पिरिट को बुलाया और उसकी आत्मा को उसमें संजो कर रख लिया। व्योम की निगाह फिर अपने नैनोबॉट्स पर पड़ी। उसने कहा, मेरे नैनोबॉट्स भी मोर्टल स्पिरिट क्लास में पहुंचने के बाद सोल पार्टिकल्स को भी कैप्चर कर सकती हैं। अब मुझे इस बात का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। वैसे भी यहां पहले से ही कई सारे नमूने हैं। उसने कुछ देर तक उसी जगह पर खड़े होकर सोचा, फिर पलटा आरोही सेक्ट के सभी लोगों की ओर देखा और कहा, वेल कंग्रेचुलेशंस, आपने मेरे गुस्से को सक्सेसफुली इनवाइट किया है। मुझे एहसास हुआ कि बिना वजह दया और क्रुएल्टी दोनों ही दिखाना नाश की ओर ले जाती है। व्योम ने एक्सप्रेशनलेस होकर माहिरा और बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहा, चलो एक गेम खेलते हैं, पूरा आरोही सेक्ट इसमें पार्टिसिपेट करेगा। सभी के फेस पर मौत के बादल छा गए, जिसमें माहिरा अमरदेव दानव भी शामिल थी। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, महामहिम, अगर वो आपके रिश्तेदार हैं, तो आप उस अपराधी को मार सकते हैं जिसने आपके रिश्तेदार को चोट पहुंचाई है। आप हमारे पूरे सेक्ट को क्यों शामिल कर रहे हैं? व्योम ने फिर माहिरा की ओर देखा। माहिरा का डर पूरी तरह से उसके चेहरे पर दिख रहा था। व्योम ने खामोशी के साथ एक बार फिर सबको देखा, लेकिन उसने माहिरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अपना हाथ ऊपर की ओर उठाया और अपने नैनोबॉट्स को छोड़ दिया, जो पूरे सेक्ट एरिया में धूल की तरह फैल गई। फिर व्योम के दोनों ओर से कई सारे नोजल्स निकलने लगे, जो अमरदेव दानव की ओर एम्ड थे। कई रंगों की ऑरा भी निकली, जो कई लौ के साथ अमरदेव दानव को चीरती गई। इससे पहले कि लोग कुछ भी रिएक्ट कर पाते, नैनोबॉट्स ने अपना काम कर डाला। एक होली देव चिल्लाया अपने देव दानव पूर्वज को देखकर, जिसके बॉडी में कई छेद और सूर्य की किरणें गुजर रही थीं। सभी लोग भागो यहाँ से! तुरंत ही सभी होली देव दानव, जो चारों ओर बिखरे हुए थे, अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे। व्योम ने अपना हाथ हिलाया और देव दानव के पूर्वज की लाश को दूर हटाकर रख दिया। फिर बाकी के होली देव दानवों और माहिरा को डर कर भागते हुए देखा। व्योम ने खामोशी के साथ कहा, क्या तुमने सच में सोचा था कि ये अननेसेसरी स्ट्रगल तुम्हारी जान बचा लेगा? तुम्हें अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए। व्योम ने शांत स्वर में कहा और एक किताब उसके सिर के ऊपर तुरंत प्रकट हुई। पन्ने एक एक करके पलटने लगे। हर पन्ने पर चमकते प्रतीक प्रकट हुए। तुरंत ही बहुत सारे डायग्राम्स फैल गए, जो पूरे सेक्ट एरिया को कवर कर रहे थे। पूरे सेक्ट में भयानक दबाव फैल गया। हर कोई और हर चीज, यहाँ तक कि धूल के पार्टिकल्स भी हवा में जम गए थे। सभी होली देव दानव भी जम गए थे। वो अपनी पलकों को भी हिला नहीं सकते थे, लेकिन वो अपनी कॉन्शियसनेस के बाहर की कंडीशन को महसूस कर सकते थे। व्योम ने चारों ओर जमे हुए देव दानवों को देखते हुए कहा, मेरे पास अंतिम हमले के लिए नैनोबॉट स्प्रिट है और अंतिम बचाव के लिए बीट स्प्रिट है। ये एक DAO किताब है, अंतिम सहायता के लिए। मैंने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि ये एक दिन किसी भी निचली दुनिया, इमोर्टल डोमेन, या यहां तक कि ऊपर के रेलिंग को दबा देगा। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच किसी भी चीज के लिए अंतिम आतंक होगा। अंत में उसके नैनोबॉट पूरे डोमेन में फैल गए और सब कुछ ढक दिया। पूरे सेक्ट के एटमॉस्फेयर में काली धूल दिखाई दे रही थी। व्योम ने फिर अपनी DAO बुक वापस ले ली और प्रेशर को रिलीज कर दिया। देव दानव और माहिरा हैरान थे। वो दोनों चारों ओर देख रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे यहाँ कुछ हुआ भी ना हो। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल उनके चेहरे के रंग बदल गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बॉडी अब उनके कंट्रोल से बाहर हो गई है और वो व्योम की ओर खींचते चले जा रहे थे। वो हताश होकर स्ट्रगल करने लगे, लेकिन उनकी बॉडी उनकी बात नहीं मान रही थी। यहाँ तक कि कुछ ने शरीर को छोड़ने और अपनी आत्माओं के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उन्हें लगा कि उनकी सारी उम्मीद डर में बदल गई है। वो अब अपनी आत्माओं को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। व्योम ने दानवी आवाज में ललकारते हुए कहा, स्ट्रगल मत करो, तुम्हारी आत्मा और बॉडी मेरे कंट्रोल में है, लेकिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस मेरे कंट्रोल में नहीं है। व्योम की दानवी आवाज सभी देव दानव शागिर्दों और होली देव के कानों में गूंज रही थी। यहाँ तक कि माहिरा भी आकाश में तैरती हुई कांप उठी। खुद को और बाकी के देव दानवों को व्योम के सामने इस तरह से खड़े हुए देख रही थी, जैसे सैनिक अपने जनरलों का सामना कर रहा हो। सभी के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे।
वो डर, गुस्सा, निराशा और सैडनेस अपने फेस पर लिए हुए थे। व्योम ने उनकी आंखों में सभी तरह के इमोशंस को देखा। व्योम ने गेम के रूल अनाउंस करते हुए कहा, खेल के रूल बिल्कुल इजी है। इसमें तुम लोगों को एक दूसरे को मारना है, रेप करना और जो कुछ भी करना चाहते हो वो करो। मैं तुम्हारी बॉडी को छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरे कंट्रोल में रहेगी। तुम अपने बीच में से किसी भी व्यक्ति पर हमला कर सकते हो, कमजोर या मजबूत कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुम्हारी ताकत को एक ही लेवल पर कर दिया है। मैं केवल एक ही रिजल्ट चाहूंगा, बुरे कर्म। जो सबसे बुरा होगा वही जीतेगा और बचेगा। ये सुनकर माहिरा और बाकी के देवदाना एक दूसरे को हैरानी के साथ देखने लगे। व्योम के ऐसा कहते ही नैनोबॉट्स ने तुरंत सभी पावरफुल देव दानव का ऑरा घटा दिया और उनका लेवल फर्स्ट मास्टर ऑर्डर पर आ गया, जो बाकी के सभी शागिर्दों से मेल खाता था। व्योम ने एक ही रेल में सभी दानवों को देखा और कहा, नैनोबॉट्स का इस्तेमाल करके सभी के इंडिविजुअल रियलिम को बैलेंस करना पॉसिबल है। अब तुम सभी के पावर खत्म हो चुके हैं, तुम लोग जिंदगी भर ऐसे ही रियलिम में रहोगे। साथ ही ये देखने का समय है कि कौन वो विजेता देव दानव जीवित रहेगा जो मेरे नैनोबोट से फिर से अपनी इंडिविजुअल पावर को हासिल करेगा। अब तुम लोग अपनी परफॉर्मेंस शुरू करो। याद रहे, तुम में से सबसे बुरा काम करने वाला व्यक्ति ही जीवित रहेगा। व्योम ने खेल का अनाउंसमेंट कर दिया। दानव शागिर्द अभी भी ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे। एक दूसरे को देखते हुए व्योम ने विक्रांत को ऑर्डर दिया, विक्रांत अगर ये लोग अगले 10 सेकंड में गेम शुरू नहीं करते हैं तो सभी को और उनके कुलों को भी मार डालो। व्योम का ऑर्डर सुनकर सभी राक्षसों के चेहरे बदल गए और उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपना हाथ उठाया और अपने बगल में बैठे साथी शागिर्द के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा। बाकी के भी दानवों ने हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ने फीमेल दानव की लाल आंखों को देखा और उन पर झपट उठे। यहाँ तक कि माहिरा को भी एक बदसूरत दानव राजा ने अपने नीचे पकड़ रखा था। युविका डर के मारे चिल्लाई, अपनी जिंदगी की भीख मांगी। माहिरा ऊपर बोट पर खड़े व्योम की तरफ देखकर बोली, प्लीज मुझे बचा लो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे और युविका के साथ गलत किया मुझे उसका पछतावा है। मैं तुम्हारे गुलाम बनने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस इस दानव से बचा लो। कुछ दानव भी अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए चिल्लाए, प्लीज हमें छोड़ दो, हमारी कोई गलती नहीं थी। यहाँ तक कि होली देवता लोग भी एक दूसरे पर हमला करना और एक दूसरे को जान से मारना शुरू कर दिए। व्योम अपने चेहरे पर किसी भी एक्सप्रेशन के बिना अपनी खाली बोट में खड़ा था, नीचे हो रही हर चीज को देख रहा था। उसने अपने मन में सोचा, ये कमीनी मुझसे कितनी गलत दया की मांग कर रही है। व्योम ने बेलेबास माहिरा के ऊपर अलग अलग दानवों की भरमार देखी तो उसने गैरत के साथ अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और आसपास के अन्य केओटिक सिचुएशंस को देखने लगा। थोड़ी देर बाद व्योम ने नीचे की अंधेरी जमीन पर नजर डाली और देखा कि चारों ओर अब लोग नहीं सिर्फ खून ही खून रह गया है, शरीर के अलग अलग टुकड़े जैसे किसी बूचड़ खाने का नजारा हो। और फिर उसने बचे हुए होली देवों की ओर देखा। वो दोनों भी लड़ते हुए थकावट के कगार पर खड़े थे। व्योम ने उनकी ओर देखते हुए कहा, वेल कंग्रेचुलेशंस, आप दोनों ने पहला राउंड पास कर लिया है, चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं। देव दानव ये सुनकर चौंक गए और संदेह के साथ पूछा, दूसरा राउंड? व्योम ने जवाब देते हुए कहा, चलो अब आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं इस गेम का विजेता। इसके बाद व्योम ने अपनी उंगली उठाई और तुरंत पूरे सेक्ट में मौजूद नैनोबॉट्स इकट्ठा हो गए और स्टोरेज स्पेस में मांस और आत्मा के कणों को छोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों देव दानवों के बीच मरे हुए दानव के शरीर के टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और वो रिकंस्ट्रक्ट होकर खड़े होने लगे। उन सभी मरे दानवों ने हैरानी के साथ अपनी आंखें खोली, फिर अपनी सिचुएशन के बारे में कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा, क्या हम लोग मर गए थे? माहिरा ने संदेह और डर में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जीवन और मृत्यु देने की शक्ति, ऐसे कैसे किसी के पास इतनी बड़ी पावर हो सकती है? माहिरा ने खुद को दानव शागिर्दों के बीच बेलिबास बदन में देखा तो उसे थोड़ी देर पहले खुद के साथ हुए बर्ताव याद आ गए कि अभी अभी उन दानवों ने कैसे उसे जिंदा ही नोचकर खा लिया था। व्योम ने माहिरा को जवाब देते हुए कहा, ये जीवन और मृत्यु की शक्ति नहीं है, ये उससे भी अधिक भयानक है। ये पावर तुम्हारी आत्मा और शरीर के कणों को अलग अलग टुकड़ों में कर सकती है और फिर उन सभी कणों को इकट्ठा करके तुम्हें पुनर्जीवित भी कर सकती है।
फिर उसने नीचे खड़े हर दानव के चेहरे को हैरानी से देखा और फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, बधाई हो, अब तुम सभी वास्तव में अमर हो, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं मार सकता। ये बात बोलने के बाद व्योम ने उनके हाव भाव में कोई बदलाव देखने के लिए उनकी ओर ध्यान से देखा। फिर उसने आसपास के कुछ शवों पर नजर डाली जो उन दानव शागिर्दों के थे जिन्हें मास्टर रेवन तक अपग्रेड नहीं किया गया था। उसने कहा, ऐसा लगता है कि लोर येलिम और जन्मजात दानवों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी आत्माएं ठीक से नहीं बनी है। उन सभी को मास्टर रियलिम में अपग्रेड करना सही था, मेरा गैस सही था। अमर आत्मा में अपग्रेड होने के बाद मेरे नैनोबोट्स अब सोल पर असर डाल सकते हैं, हालांकि मास्टर लेवल पर उससे ऊपर के लिए है, फिर भी ये कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। योम ने फिर नीचे सभी एक्सपेरिमेंटल दानवों पर नजर डाली और फिर अगले कंपटीशन राउंड के अनाउंस किया। नेक्स्ट राउंड शुरू करें। तुरंत ही सब लोग चौंक गए। कुछ दानव अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगे। तुरंत ही एक बर्निंग लॉ फैल गई और उन सभी को कवर कर लिया और उनके बॉडी और सोल को जलाने लगे। मुझे माफ कर दो। अचानक भयानक चीखें आसपास के एरिया में फैल गई। तुरंत ही उन सभी भागे हुए दानवों को राख में बदल दिया। वो लोग व्योम को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी शैतान को देख रहे हो। उनमें से कुछ ने माहिरा की ओर नजर गड़ाई और कहा, इस कमीनी को पकड़ो, जो कुछ भी हम सह रहे हैं वो सब इसी कारण है। एक देव दानव ने चिल्लाया, उस पर इशारा किया और गाली देने लगा। बाकी के दानव उसी दिशा में कूद पड़े। जब व्योम ने माहिरा के डर से भरे एक्सप्रेशन को देखा तो उसके दिल को बहुत सुकून मिला। उसने कहा, आखिरकार उसकी नफरत ही उसको यहाँ तक लेकर आई है, देखते हैं उसकी आत्मा कितना सहन कर सकती है। व्योम ये सोचकर अपने उड़ने वाले बोट के मेन रूम की ओर बढ़ गया। वो अंदर पैर मोड़कर बैठ गया और कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉ को समझने लगा। इस लॉ को समझते हुए लगभग एक महीना बीत गया। विक्रांत व्योम के पास आकर बोला, यंग मास्टर, उन सभी की आत्माएं बिखरी हुई है। व्योम ने विक्रांत की रिपोर्ट सुनी, अपनी आंखें खोली, फिर उठकर बाहर चला गया और डेक के पास आकर खड़ा हो गया। यहाँ से दिख रहे अंधेरे लाल पहाड़ियों और चोटियों को देखते हुए जहाँ कोई जीवन गतिविधि नहीं थी, व्योम ने अपना हाथ उठाया और सामने एक प्रोजेक्टर प्रकट हुआ जिसमें पिछले महीने में हर एक रिकंसिडरेशन के बाद दानव बॉडी और सोल में हुए बदलावों की डिटेल्ड इमेजेस दिखाई देने लगी। व्योम ने यह सब देखने के बाद कुछ सोचते हुए कहा, तो सेल्स और सोल पार्टिकल्स एनर्जी हर रिकंडेंसेशन के बाद कम हो जाती है, फिर वो परमानेंटली रूप से गायब हो जाते हैं जब उन्हें कुछ 100 बार रिकंडेंसेशन किया जाता है। व्योम ने सोचा, फिर बड़बड़ाते हुए बोला, ऐसा लगता है कि नैनोबोट्स का रिकंडेंसेशन इफेक्ट परमानेंट नहीं है। इसके अलावा रिकंडेंसेशन कॉन्शियसनेस मेमोरी पर बेस्ड है, यह ओरिजिनल कॉन्शियसनेस नहीं है, ये मृत्यु से पहले की ओरिजिनल परसोना की कॉपी है। ऐसा लगता है कि आत्मा में बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें अभी भी खोजा जाना बाकी है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया, फिर विक्रांत की ओर देखते हुए ऑर्डर दिया, जाओ और उन दानों कबीले और बाकी के 2 सेक्ट को भी खत्म कर दो जिन्होंने हम पर हमला किया था। विक्रांत ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है यंग मास्टर, विक्रांत ने जवाब दिया। फिर बाकी के 7 पपेट्स के साथ वो वहां से गायब हो गया जिससे मास्क मैन और विद्युत प्रोटेक्शन के लिए शामिल थे। वो सामने आने के बजाय पीछे से छुपकर वार करने के लिए मशहूर थे। व्योम ने तब खाली और क्वाइट एसेंशन सेक्ट को गहराई से देखा और अपनी ऑब्सेशन को गायब होते हुए महसूस किया। फिर उसने खुद से कहा, ठीक है, मैंने उस दुष्ट और उसके सेक्ट के साथ अपना बदला पूरा कर लिया है। उसने एक लंबी सांस ली, फिर अपना सिर घुमाया और बोट को आगे बढ़ाया। तुरंत ही बोट स्पेस के रास्ते पर चल पड़ी और अंदर की ओर उड़ गई। फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में गायब हो गई। दूसरी तरफ जल्दी ही तीनों सेक्ट और बाकी कुछ टॉप दानव परिवारों के विनाश की खबर पूरे सिंघानिया परिवार में फैल गई। यहाँ तक कि आसपास के राजवंश और सेक्ट के लोग भी अलर्ट हो गए। खासकर बचे हुए दानव कबीले बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जल्दी से अपना रिप्रेजेंटेटिव को महंगे उपहारों और शर्तों के साथ माफी मांगने के लिए पीस कम्युनिटी के पास भेजा। इस बीच सिंघानिया परिवार राजधानी में सिंघानिया महल के अंदर राज सिंघानिया घुटनों के बल बैठे दरबारी को देख रहे थे जो व्योम द्वारा किए गए विनाश की रिपोर्ट करने के लिए आया था। उनकी भौंहें सिकुड़ गई। फिर वो बड़बड़ाते हुए बोले, उसने पूरे कबीले और सेक्ट का नरसंहार क्यों किया?
क्या उसे नहीं पता कि महान राजवंश का टॉप दानव जातियों से भी बहुत पुराना रिश्ता है? इस बात की खबर अगर महान ड्रैगन राजवंश के ड्रैगन दरबार तक पहुंची तो वो इस विनाश के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराएंगे। जब वो ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक एक फिगर उनके सामने प्रकट हुई जो शून्य में तैर रही थी। राज सिंघानिया के चेहरे का रंग अचानक से बदल गया। जल्दी से सिंहासन से उठकर अभिवादन करते हुए वो झुके और बोले, पूर्वज आपका स्वागत है। पूर्वज ने आशीर्वाद में अपना हाथ उठाया और बोले, आरोही संप्रदाय के विनाश के बारे में ड्रैगन कोर्ट को तुरंत इन्फॉर्म करें और हुए अनुचित नरसंहार के लिए व्योम के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। राज सिंघानिया का चेहरा बदल गया। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन पूर्वज ने हाथ उठाया, उन्हें रोका और आगे कहा, चिंता मत करो, व्योम को पता नहीं चलेगा कि हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट किया है। हम उसे इस तरह नाराज नहीं करेंगे। महान ड्रैगन राजवंश के रूल के हिसाब से कोई भी बिना उचित कारण के किसी भी सेक्ट या राजवंश को नष्ट नहीं कर सकता। हमें उसके द्वारा उन कबीले और सेक्ट को नष्ट करने का कोई विशेष कारण नहीं दिखाई दिया और हमने ये भी करने का फैसला किया है कि आगे उसे सिंघानिया परिवार के लिए अधिक अनावश्यक विनाश और नुकसान पहुंचाने से रोकना होगा। राज सिंघानिया चौक गए और सोच में डूब गए। उन्होंने कुछ सोचते हुए खुद से ही कहा, ऐसा लगता है कि पूर्वज भी व्योम के इस हरकत के कारण बेहद परेशान है। वास्तव में वो लड़का हमारे लिए सिर पर लटकी हुई तलवार की तरह है। अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाया तो कभी भी मेरी गर्दन धड़ से अलग हो सकती है, इसलिए उसके खिलाफ ड्रैगन कोर्ट के रूल्स का इस्तेमाल करना अच्छा विचार है। फिर सिंघानिया ने अपने पूर्वज को देखा, सिर हिलाकर हाथ जोड़े और जवाब दिया, हाँ पूर्वज, मैं ड्रैगन कोर्ट को जल्दी ही इन्फॉर्म करूंगा। पूर्वज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर हिलाया, फिर वहां से गायब हो गए। अब वहां पर सिर थोड़ी देर बाद चारों अब वहां पर सिर्फ दरबारी जो ये सब सुनकर हैरानी से भरे हुए थे और सोच में डूबे हुए राज सिंघानिया को छोड़कर कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ व्योम पीस कम्युनिटी के मेन रूम में बैठा था। उसकी आंखें सामने खड़े तमाम शिखर लीडर्स को गौर से देख रही थी। व्योम उन्हें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बताने के लिए इन्वाइट किया था। व्योम ने फिर चारों ओर देखा और अंत में अपनी निगाह शुक्र शिखर की प्रमुख मिस प्रीति पर गड़ाई और कहा, मिस प्रीति, मैं आपको सेक्ट का लीडर बनाना चाहता हूँ। इस सेक्ट में मेरा काम समाप्त हो गया है, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और उस बड़े स्प्रिट कॉन्टिनेंट में सैर करूंगा। उसने ऐसा बोलकर उसके चारों ओर के शिखर लीडर को शाउट कर दिया, लेकिन उन लोगों ने बदले में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। प्रीति ये सुनकर चौंक गई थी। इल्यूजन शिखर हेड को देख रही थी जो उसका पति है, वो भी चौंक गया। फिर उसने प्रीति को दिलासा देते हुए अपना सिर हिलाया। व्योम ने उनकी ओर देखा, उनके हाव भाव की परवाह नहीं। उसने प्रीति को इसलिए चुना क्योंकि संकट के समय उसने अपने पति शिखर के खिलाफ पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके बजाय उसने चारों को खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। काफी दिन बीत गए। सेक्ट लीडर ट्रांसफर प्रोसीजर को पूरा करने के बाद व्योम फिर अपने बोट में बाकी के पपेट के साथ सेक्ट से बाहर चला गया। व्योम को नहीं पता था कि उसके जाने के तुरंत बाद पीस कम्युनिटी सेक्ट के ऊपर का शून्य अचानक से फट गया और तीन फिगर प्रकट हुई। हर एक लोग उन फिगर की वजह से हाई लेवल इमॉर्टल दबाव को महसूस कर रहे थे। उन तीनों फिगर के आंखों की पुतलियां वर्टिकल शेप में थी जो एक ड्रैगन की महिमा का उत्सर्जन कर रही थी। प्रीति और बाकी के लोग अचानक प्रकट हुए शून्य में उनके सामने इन तीन फिगर को देखकर दंग थे। प्रीति ने हिचकिचाते हुए उनसे पूछा, आप कौन है महाशय? उनमें से एक फिगर ने आगे बढ़कर कहा, हम ड्रैगन कोर्ट के अधिकारी हैं। हम महान ड्रैगन राजवंश के रूल के तहत ड्रैगन कोर्ट के फैसले की घोषणा करने के लिए यहाँ है। बीच में एक अधिकारी ने अपना हाथ उठाया, गोल्डन स्क्रोल को खोला और समन ऑर्डर को पढ़ना शुरू किया। महान ड्रैगन साम्राज्य के रूल के अनुसार किसी भी अमर कबीले या सेक्ट का सामूहिक विनाश करना सख्त मना है, सिवाय इसके इसके लिए कोई वैध कारण हो। कोर्ट व्योम को एक साल के भीतर
ड्रैगन कोर्ट में प्रेजेंट होने का ऑर्डर देता है। प्रीति और बाकी के लोग एक दूसरे की ओर देखकर बेहद उलझन में पड़ गए। फिर प्रीति ने संकोच करते हुए कहा, महामहिम, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं वो पहले ही पीस कम्युनिटी सेक्ट से जा चुके हैं, अब मैं इस सेक्ट की लीडर हूँ। प्रीति के जवाब को सुनकर तीनों ड्रैगन कोर्ट अधिकारी शॉक्ड हो गए, फिर उनके माथे पर शिकन की लकीर खींच गई। थोड़ी देर सोचने के बाद एक अधिकारी ने पूछा, वो वहाँ क्यों गया है? प्रीति और बाकी के लिए सिर हिलाते हुए कहा, हम नहीं जानते। अधिकारी ये जवाब सुनकर कुछ सोचने लगा, फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और प्रीति और बाकी की ओर देखकर कहा, ठीक है, अगर वो वापस आता है तो उसे ये ऑर्डर स्क्रोल दे देना और उसे इसके माध्यम से हमें इन्फॉर्म करने के लिए कहना। अगर हमें एक साल में कोई जवाब नहीं मिला तो ड्रैगन कोर्ट ट्रैकिंग और हंटिंग प्रोग्राम शुरू करेगा। ड्रैगन अधिकारी ने स्क्रोल प्रीति की ओर फेंका, फिर स्पेस को काटते हुए तीनों अधिकारियों के साथ वो गायब हो गए, जिसमें सभी लोग अवाक रह गए। प्रीति ने अपनी हथेली में पड़े स्क्रोल पर नजर डाली, वो उलझन में पड़ गई और सोचने लगी कि उसे इसके साथ क्या करना चाहिए। दूसरी ओर व्योम इस स्पिरिट कॉन्टिनेंट के साउथ की ओर ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि दानव सेक्ट और कबीले के नरसंहार से साउथ में महान ड्रैगन सेक्ट ने उसे बुलावा आया होगा। वो शून्य बोर्ड के मेन रूम में बैठकर टाइम और स्पेस लॉ के प्रिंसिपल को समझने और कंबाइन करने में लगा हुआ था, जो इमॉर्टल रेल्म की ओर बढ़ते समय उसका मेन इमॉर्टल लॉ बनते जा रहा था। समय बीतता गया, दिन पन्नों में बदल गए, हर चैप्टर एक महीना बन चुका था और इस तरह 3 महीने बीत चुके थे। व्योम ने अपनी गहरी शांत आंखें खोली, खड़ा हुआ, अपने शून्य बोर्ड के डेक पर आया, अपनी नजर उठाई और नीचे रेगिस्तान के बीच में पार्क की हुई अपनी शून्य बोट को देखा। फिर उसने अपना हाथ उठाया और बोला, टाइम एंड स्पेस फ्रीज हो जाओ। तुरंत ही लाखों मील की हर चीज फ्रीज हो गई, यहाँ तक कि रेत के हर एक कण और अलग अलग एरियाज में छोटी छोटी रेत की आंधियां भी उसी जगह पर ठहर गई, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। व्योम ने अपने चारों ओर हवा में जमी हुई सूर्य की किरणें और प्रकाश के कणों को देखा। जैसा कि टाइम और स्पेस कंबाइंड लॉ से उम्मीद थी कि केवल कुछ सेकंड के लिए लाखों मील को फ्रीज करने के बाद मैं खुद से पहले से कहीं ज्यादा थकावट के कगार पर पहुंच गया हूं, ऐसा महसूस हो रहा है। उसने अपनी सेमी इमॉर्टल माना को तेजी से गायब होते हुए महसूस किया, फिर उसने टाइम और स्पेस लॉ इफेक्ट को वापस ले लिया। टाइम वापस आ गया और उसके चारों ओर की हर चीज फिर से चलने लगी। फिर व्योम ने अंधेरे मौसम की ओर देखा जो चारों ओर इकट्ठा हो रही थी, अंधेरा रेगिस्तान के लाखों मील के एरिया को कवर कर।